एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। क्लास 6 मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 3 इंटीजर की एक्सरसाइज 3.2 हमने देखी थी। कुछ क्वेश्चन हम इससे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एट द इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें क्या करना है, जितने भी इंटीजर्स नंबर गिवन है इन सभी को हमें क्या करना है, एड करना है। तो देखो सबसे पहले गिवन है 2 + 3, 2 और 3 गिवन है, दोनों को हमें एड करना है। क्या मिलेगा हमें इंटीजर, +5। क्लियर। सेकेंड वन हम देखते हैं -3, प्लस करना है किससे, -2 से। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट जैसे खुलता है -3, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या होगा -2, एंड -2 एंड -3 एंड -2 कितना होगा -5। -3 एंड -2 दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस का 5। एंड साइन किसका आता है, जो डिजिट बड़ी है उसके आगे जो भी साइन होता है वही साइन हम यहाँ पर लगाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। क्लियर। ऐसे ही -8 एंड -4, तो ये भी सेम है, दोनों को करना क्या है हमें, ऐड ही करना है। तो यहाँ पर भी देखो चलो कर लेते हैं, एंड माइनस का 4। अब यहाँ भी साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना होगा, माइनस का 12। क्लियर है। -3 प्लस -12, इन दोनों को भी हमें ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 12 एंड -15 इज आंसर। क्लियर। लास्ट एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्लस करना है -4 को, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 5 में से 4 क्या होगा, माइनस, यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा, 1, दैट इज अवर आंसर। तो फर्स्ट का था 5, सेकेंड वन इज -5, थर्ड वन इज -2, फोर्थ है -15 एंड फिफ्थ इज 1। क्लियर है सभी को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, फाइंड द सम ऑफ। इसमें भी हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सम। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, 137 प्लस करना है -354। 137 -354, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, एंड साइन भी किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ पर एक बार साइड में कर लेते हैं, 354 137, 14 हो गया, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 7, 4 इज हियर, 4 में से 3 निकला 1, 3 में से 1 निकला 2, तो ये आएगा माइनस का 217। क्लियर। फर्स्ट वन एंड सेकेंड हम देख लेते हैं, माइनस का 52, एंड दोनों को क्या करना है, प्लस ही करना है, प्लस का 52। तो देखो माइनस एंड प्लस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये कितना बचेगा, 0। वैसे भी देखो सपोज आप इसे ऐसे लिखते हैं, प्लस 52 पहले एंड माइनस 52 आप बाद में लिखते हैं, तो देखो 52 में से 52 क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर कितना मिला हमें, 0। क्लियर। थर्ड वन देखते हैं क्या है, -312 प्लस 39, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 192। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो हम इन्हें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 9 and 2 11, 1 इज हेयर 10 प्लस 3 13, 1 इज हेयर एंड 1 2। अब देखो डिजिट कौन सी बड़ी है, 312, तो माइनस होगा, माइनस कर लेते हैं, 2 में से 1 निकला 1 एंड 23 में से 31 में से 23 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 8। क्लियर है। किसका होगा ये, माइनस का, क्योंकि डिजिट जो है वो माइनस की बड़ी है, तो साइन भी किसका लगेगा, माइनस का। फोर्थ नंबर और देख लेते हैं, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, -50 -200 एंड +300, करना प्लस था लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलो मैं इसको एक बार यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिलके माइनस, तो 200 एंड प्लस 300। अब माइनस माइनस दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, माइनस का 250 प्लस 300, क्या रिमेनिंग रहेगा, प्लस का 50, दैट इज अवर आंसर।
तो आई होप ये जो इंटीजर्स का सम है, प्लस इंटीजर या माइनस इंटीजर कोई भी हो, इनका सम हमने देखा था, दोनों ही क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड थे, तो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।